आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, यानी याचिकाकर्ताओं को भी, सॉलिसिटर जनरल को भी, और उसके बाद सुनवाई को 2 हफ्ते तक के लिए टाल दिया है। कल का अंतरिम आदेश इसका मतलब जारी रहेगा। बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए है। ये इस लिहाज से भी समझना खास हो जाता है क्योंकि जब याचिका दायर की गई थी, जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था जहांगीरपुरी में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी, जिसके लिए कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए है, बाकी राज्य अपना जवाब दाखिल करें और फिर उनके मामलों पर आगे अगली सुनवाई होगी। यानी कि हर पक्ष की ओर से एफिडेविट हलफनामा दायर किया जाएगा और फिर इसके ऊपर आगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा। बुलडोजर के एक्शन पर सबसे बड़ी अदालत का बड़ा आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया गया है, किसी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाएगा। ये अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए है, बाकी की जगह यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, ये आदेश उन राज्यों के लिए नहीं है। जहांगीरपुरी से हमारे साथ संवाददाता गौनिका अरोड़ा जुड़ गए, विजय लक्ष्मी पवन नारा भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले गौनिका, आप ये बताएं कि आज दोनों ही पक्षों की ओर से क्या क्या दलील दी गई, पहले याचिकाकर्ताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि याचिकाकर्ता, जो मुख्य याचिका थी वो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी। वृंदा करात ने भी हालांकि याचिका दायर की थी लेकिन वो कोर्ट तक पहुंची नहीं थी। ऐसे में मुख्य याचिका जमीयत उलेमा हिंद की थी जिस पर दुष्यंत दवे पेश हुए। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखी और दुष्यंत दवे ने पेश होते ही सीधा सवाल उठाया कि बिना नोटिस जारी किए ये पूरी कार्रवाई हुई है, सांप्रदायिकता के चश्मे से, धर्म संप्रदाय के चश्मे से ये पूरी कार्रवाई की गई है, सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है और 15-15 दिन का नोटिस जारी किया जाना था, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई होनी थी। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ जहांगीरपुरी जैसे इलाके में गरीब लोगों पर की गई और ऐसी कार्रवाई आखिर जिस तरीके की 731 अनऑथराइज कॉलोनी है दिल्ली में, वहां पर क्यों नहीं की जाती है? साउथ दिल्ली जैसे पॉश एरिया में जहां पर उन्होंने अपने इलाके ये याचिकाकर्ता दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल वकील है जिनके, उनकी ओर से दलील दी गई, इसका काउंटर क्या दिया गया? विजय लक्ष्मी, इसके काउंटर में क्या बोला गया सॉलिसिटर जनरल द्वारा? देखिए सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि जो डेमोलिशन ड्राइव है या जो अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई जो है वो जहांगीरपुरी में खासतौर से जनवरी महीने से चल रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है वहां पर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अभी किसी राजनीतिक व्यक्ति ने किसी को चिट्ठी लिख दी तो अचानक से डेमोलिशन ड्राइव वहां पर शुरू हो गया, इस तरह की बात सॉलिसिटर जनरल ने जो है आज कोर्ट में कही। इसके अलावा खरगांव की का भी जिक्र कपिल सिब्बल द्वारा किया गया था कि किस तरीके से धर्म, एक धर्म को, विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाकर के ये इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ दिल्ली बल्कि खरगांव में की जा रही है। उस पर 2021 और 22 के ऑर्डर्स का, कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिया गया कि वहां पर भी जो कार्रवाई है वो कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद की गई थी और उस कार्रवाई में अगर देखें या डेमोलिशन जो वहां पर इफेक्टेड है वो हिंदू ज्यादा है, उसमें मुस्लिम्स की संख्या कम है, अगर दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 2 बातें साफ की गई। एक के पहले जानकारी दी गई थी, ऐसा नहीं था कि डेमोलिशन ड्राइव अचानक शुरू कर दिया गया, और दूसरा कोई धर्म संप्रदाय को निशाना बनाकर के ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर दूसरी जगहों की बात जिस तरह से याचिकाकर्ता ने कही उसको देखा जाए तो वहां पर हिंदूज की संख्या ज्यादा है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गौनिका, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगी, फिर पवन आपके पास आती हूं। अब ये तो बात हुई दिल्ली की, लेकिन दिल्ली के बाहर जिन राज्यों के खिलाफ, खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उनकी याचिकाओं को लेकर क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से और उन लोगों को कितना वक्त मिला है?
देखिए याचिका तो नहीं दायर की गई थी उनके खिलाफ, हालांकि उन याचिकाओं में रेफरेंस जरूर दिया गया था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, मध्य प्रदेश में जो खरगोन में जो कार्रवाई हुई उसका जिक्र कपिल सिब्बल ने किया कि इस तरीके की कार्रवाई उन आरोपियों पर हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज पर हो रही है जो किसी भी तरीके के अपराध में संलिप्त है, बिना किसी पूरी जांच के उनके प्रॉपर्टीज पर यह कार्रवाई कर दी जाती है और ये एक तरीके से सिंबल बन गया है कार्रवाई का। ऐसे में बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाए, तो पैन इंडिया के लिए कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं आदेश मांग रहे थे कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पैन इंडिया को लेकर हम कोई आदेश नहीं देंगे, ये जो ऑर्डर हम दे रहे हैं 2 हफ्ते के स्टेटस को का, ये साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है क्योंकि उसी को लेकर याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पैन इंडिया में बुलडोजर अगर चलता है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो स्टे का आदेश है स्टेटस को मेंटेन करने का, ये सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।